अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली का स्पेशल कोरमा। स्पेशल कोरमा बनाने के लिए आपको चाहिए गोश्त 1 किलो, प्याज 2 बड़े साइज की या 1 पाव इस तरह बारीक कटी हुई, दही 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये होममेड कोरमा मसाला है जिसकी रेसिपी हम पिछली एपिसोड पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अदरक 1 टेबल स्पून, जूलियन कट, चलिए स्टार्ट कर, और घी 1 पाव। बाकी आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में हम घी गरम कर लेते हैं। घी अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हल्की गोल्डन होने तक, क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। प्याज हम, तेल हमारा गर्म हो चुका था, अब हमने इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। प्याज में हमारा गोल्डन कलर आने लगा है, अब हम बिल्कुल दम पे कर देंगे फ्लेम को ताकि हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी हो। प्याज में हमारा बहुत अच्छा कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब बचे हुए तेल में हम गोश्त, कोरमा मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, ये और पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। डेढ़ गिलास पानी जाएगा। अब गोश्त गलने के लिए रखते हैं। प्याज हमारी क्रिस्पी हो चुकी है, इसे कुछ देर रखकर इस तरह ठंडी ठंडी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको हवन दस्ते में डालकर पीस लेंगे। इसका टेस्ट इसी में ही बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। प्याज हमारी पीस चुकी है, देखें इस तरह पेस्ट बन चुका है इसका, बस पेस्ट बन जाए, पानी बिल्कुल नहीं डाला था, ये सब ऑयल है, पेस्ट है। इसी तरह से आप भी इसी में पीसिएगा, बहुत ही अच्छा दानेदार कोरमा बनेगा। हमारा गल चुका है और भून भी चुका है। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही डालकर थोड़ा भूनेंगे। दही हमारी थोड़ी भून चुकी है, अब हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज डालेंगे।
प्याज डालते ही ये भूनने लगे हैं। अब बस 2 मिनट और भुनेंगे। 2 मिनट के बाद अब इसकी शक्ल इस तरह हो गई है। देखें कैसा अच्छा दानेदार कोरमा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल देख वाली खुशबू आ रही है। आप इसको सर्व कर दें। लीजिए मज़ेदार दानेदार देवी कोरमा, दिल्ली वालों का स्पेशल कोरमा तैयार है। दम पे हम अदरक डालेंगे। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।